मम्मी कहती हैं कि वापस आ जाओ, कहते नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं ना, हम भी तो सेवा है, ये भी सेवा है, करने दीजिए ना। लोगों से उम्मीद लगाए हैं कि शायद ये लोग अगर मान जाए घर में रहें तो हम लोग भी अपने घर जा सकते हैं। हमने पड़ताल में ये जानने की कोशिश की है कि पुलिस वालों के लिए कोरोना में नौकरी करना कितना मुश्किल हो चुका है। मम्मी काफ़ी परेशान होती हैं, मम्मी कहती हैं कि वापस आ जाओ, कहते नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं ना, हम भी तो सेवा है, ये भी सेवा है, करने दीजिए ना, ऐसे ही भाविक हो जाती हैं मम्मी। आम तौर पर हथियारों के लिए जूझने वाली देश भर की पुलिस क्या खुद की सुरक्षा कोरोना वायरस से कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक एक चीज़ों को ध्यान रखना है, उठना बैठना, आना जाना, खाना पीना, सब चीज़ों के ऊपर केयर करना है ताकि इस प्रकार का कोई संक्रमण न फैले हमारे जवानों में या हम लोगों के साथ जो ड्यूटी करने वाले हैं उनके अंदर। सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, तभी हम लोग इस देश की सेवा कर सकते हैं सच्चे मन से, अगर स्वस्थ रहेंगे तभी। पुलिस कर्तव्य के लिए समर्पित है, लेकिन सरकार क्या कर रही है इसकी भूमिका भी तय होनी चाहिए। पूरी दुनिया में कोरोना कहर के बीच में जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस कर्मी काम कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की पुलिस है जिसके पास कोई पीपीई किट नहीं है। और इस पीपीई किट ना होने के कारण जो दिल्ली में जो पुलिस कर्मी जो इन्फेक्टेड हो गए हैं, जो महाराष्ट्र में भारी संख्या में पुलिस के जो लोग हैं इन्फेक्टेड हो गए, इंदौर में हुए, पूरे देश में जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस महामारी के खिलाफ, इस देश की जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पुलिसकर्मी है वो कोई साधारण लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश की लड़ाई तभी लड़ेंगे, इस कोरोना के खिलाफ तभी लड़ेंगे जब आप इनको प्रोटेक्शन देंगे। अभी तक पुलिस के लिए कोई खास इंतजाम देखने को नहीं मिले। कुछ देश की पुलिस को पीपीई किट पहनाया गया, जबकि हमारे यहाँ पुलिस को जैसे तैसे मास्क और सैनिटाइजर ही मिल पाया। यही कारण है कि पुलिसकर्मी बुरी तरीके से इसके चपेट में हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अभी तक 11 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं। आने वाले वक्त में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। पुलिस पर बढ़ते संकट को देखते हुए क्या कोई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, हमने इसकी भी पड़ताल की। पुलिस का काम बहुत ही चौतरफा है, लॉकडाउन तोड़ने वालों को भी ध्यान में रखना है। डॉक्टर्स टीम अगर जाती है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को लाने के लिए तो वहाँ पर भी पुलिस होती है। पुलिस रसद सामग्री भी बांट रही है, पुलिस को भी कोरोना हो रहा है तो उनके किसी के तरह का जो सुरक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो चाहे समाज से जुड़ा हुआ हो, पुलिस कर्मियों को भी ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप कोई अगर लेना चाहिए तो लेना ही चाहिए। इंदौर में अब तक 3 पुलिस कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस पर कोरोना का असर कम नहीं हुआ है। पिछले दिन इंदौर में हुई 3 पुलिस कर्मियों की मौत के बाद हालात अभी तक सुधरे नहीं है। वहीं पुलिस जो है सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा से नहीं, भगवान भरोसे बच रही है। पुलिस और डॉक्टर फिलहाल कोरोना के फ्रंट पर खड़े हैं, ऐसे में सरकार उनके लिए बीते 50 दिन में कुछ खास नहीं कर पाई। ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए परिवार से मिलना भी मुश्किल है। ये मुश्किल भारत पर एक कठिन परीक्षा है। परीक्षा वही पास करेगा जो खुद का ख्याल रखेगा। पुलिस हमारा ख्याल रखती है, इसलिए हमें पुलिस का ख्याल रखना होगा। कैमरा पर्सन आकाश यादव के साथ जमील अहमद, ग्लोबल भारत, वाराणसी।